अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पेनियर और वाइस के अंदर से दोनों में से कौन सा बेहतर है, कौन सा हमें अच्छा एक्सचेंज रेट दे रहा होता है, कौन सा इंटरनेशनल यूज़ में अच्छा है, कौन सा विड्रॉ में अच्छा है, कौन सा डिपॉजिट में अच्छा है। हर चीज़ हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं तो आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, अगर आप किसी दूसरे कंट्री के अंदर हैं तो आप पाकिस्तान की बातें सुन के आपको अपना भी आइडिया हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, अदरवाइज मोस्टली सेम ही होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूंगी, अच्छे दोनों ही हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करते हैं, दोनों ही फुल ट्रस्टेड है, ठीक है। लेकिन दोनों में ना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। कुछ किसी जगह पे वाइज यूज़ करना बेहतर होता है, किसी जगह पे पेनियर यूज़ करना बेहतर होता है, ठीक है। तो अभी मैं बता देता हूँ कि जो वाइज के भी दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक पर्सनल होता है, एक बिजनेस अकाउंट होता है, ठीक है। जो पर्सनल अकाउंट है वो तो सिंपली जो है ना, जैसे पाकिस्तानी बैंक्स हैं, एक दूसरे से ट्रांजेक्शन ले सकते हैं, दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यूज़ हो जाता है और आसानी से, बल्कि पाकिस्तानी बैंक के लिए प्रूफ ऑफ इनकम वगैरह भी मांगते हैं, मोस्टली वाइज के लिए नहीं मांगते, लेकिन मांग भी लेते हैं। लेकिन आप कह लें कि जैसे हम पाकिस्तान के अंदर HBL UPL वगैरह का अकाउंट बना सकते हैं, इसी तरह से वाइज का अकाउंट बना सकते हैं, वो भी ऑनलाइन ही, आपको कोई भी फिजिकल जगह नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि वाइज और पेनियर से रिलेटेड दोनों से रिलेटेड मेरे लिए अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है। वाइज से रिलेटेड तो ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो बना चुका हूँ बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर, उस प्ले लिस्ट को विजिट कर लीजिएगा। पेनियर के रिलेटेड भी अभी मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ, जिसके अंदर हर चीज़ मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। अपने दोनों प्ले लिस्ट को विजिट करते रहने, काफ़ी काम की चीज़ें मिलेंगी। तो अभी इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं कि आप इसमें फर्क क्या क्या है। और अच्छा, सबसे पहले मैं पेनियर की बात करूं तो पेनियर के अंदर हम विड्रा जो लेते हैं वो जैस कैश HBL वगैरह के ऊपर ले सकते हैं। हमारा जो पेनियर है डायरेक्ट HBL जैस कैश के साथ लिंक हो जाएगा, हम जैस कैश एप्लीकेशन के अंदर से ही पैसे विड्रा कर सकते हैं। एक अच्छा एक्सचेंज रेट हमें पेनियर से मिल रहा होता है, ठीक है। और पेनियर के मैं आपको फायदे बता दूँ कि आप पेनियर को जो है गूगल एडसेंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आप यूट्यूब की पेमेंट लेते हैं या अगर किसी वेबसाइट की पेमेंट से लेते हैं उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फाइवर भी यूज़ कर सकते हैं, अपवर्क भी यूज़ कर सकते हैं, अमेजोन पे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जितनी भी बिजनेस साइट्स होती हैं ना, आप पर्सनल पेमेंट्स नहीं ले सकते, ठीक है। अगर आप पैसे डिपॉजिट करना चाहें तो पाकिस्तान के अंदर बहुत मुश्किल काम है कि आप पैसे डिपॉजिट कर सके पेनियर के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो वाइज है, वाइज आप पाकिस्तान के मोस्टली कार्ड वगैरह वर्क करते हैं, कौन से करते हैं उन पर तो ऑलरेडी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मिल जाएंगे, आपने वो विजिट कर लेने हैं प्ले लिस्ट अगर आप ये जानना चाहते हैं। इसके अलावा जो वाइज होता है, इस ये पर्सनली यूज़ के लिए ज़्यादा होता है, जो वाइज पर्सनल अकाउंट। अच्छा, जो पेनियर का अकाउंट है पाकिस्तान के अंदर हम बना सकते हैं, वाइज का अकाउंट जो पर्सनल है वो बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट नहीं बना सकते। अच्छा, जो वाइज का बिजनेस अकाउंट और पेनियर अकाउंट, दोनों आपस में मेन मुकाबला इन दोनों का होता है। इनमें से अगर जीतते हैं तो वाइज का बिजनेस अकाउंट, लेकिन वाइज के बिजनेस अकाउंट जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं बनता, ठीक है। अगर आप अमेजोन पे काम कर रहे हैं तो फिर आप अकाउंट इसका बना सकते हैं, क्योंकि जब आप अमेजोन पे काम कर रहे होते हैं मोस्टली आपने LLC बनवाई होती है US की, तो LLC जब आपकी बनी होगी तो उस बेस पे आपका जो है वाइज का अकाउंट बन सकते हैं, ठीक है। तो जो वाइज से हम कैसे विड्रॉ लेते हैं, एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्सचेंज रेट हमें वाइज से मिल रहा होता है। तो जहाँ पर भी वाइज यूज़ हो सकता है तो आप वाइज का यूज़ करें, क्योंकि वाइज से आप बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो एक्सचेंज रेट ले सकते हैं। किस तरह से ले सकते हैं इस पर भी मेरी ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं। और इसके अलावा अगर हम वर्चुअल कार्ड की बात करें, अगर आपका अकाउंट जो है वाइज का पर्सनल अकाउंट है, पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर बना है, तो आपको वर्चुअल कार्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो बिजनेस अकाउंट जो है वो पाकिस्तान डिटेल पर बना ही नहीं होगा, तो वो आप US UK जिस डिटेल पे भी बना होगा तो आप उस बेस पे कार्ड ले सकते हैं। आपको उसको दुनिया में हर जगह पे ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं, वीज़ा या मास्टर कार्ड देता है, इस चीज़ को मैं कन्फर्म नहीं है, ठीक है। लेकिन अच्छा एक्सचेंज रेट भी हमें मिल रहा होता है, ठीक है, इसके वाइज के बिजनेस अकाउंट से। पेनियर के अंदर हम जो है वर्चुअल कार्ड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी मैं ना इसको थोड़ा सा शॉर्टकट कर देता हूँ कि कौन से दोनों में बेहतर है। अगर तो आप वाइज का बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं तो आपको पेनियर की ज़रूरत भी नहीं आएगी, ठीक है। तो आप सिर्फ वाइज के बिजनेस अकाउंट से ही हर काम कर सकते हैं। इसको आप यूट्यूब में लगा सकते हैं, आप इसको फाइवर पे लगा सकते हैं, आप इसको और किसी जगह लगाना चाहते हैं, आप वर्क वगैरह किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे, बिजनेस रिलेटेड वेबसाइट पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। और इसका जो वाइज के साथ हमें एक पर्सनल अकाउंट भी मिल जाता है, आप वैसे नॉर्मली किसी से पैसे लेना या देना चाहते हैं तो वो उस वक्त बहुत ही काम आता है। और वाइज से विड्रॉ लेने के लिए बहुत बेहतरीन एक्सचेंज रेट हमें मिल रहा होता है, वो कैसे मिलता है उस पर तो ऑलरेडी मैं वीडियोज बना चुका हूँ।
तो पेनियर भी अच्छा है, पेनियर बुरा नहीं है, ठीक है, पेनियर अच्छा यूज होता है, लेकिन इसके अंदर पैसे वगैरह डिपॉजिट करना मुश्किल है। इसको हम फाइवर वगैरह के साथ लिंक आसानी से साथ कर लेते हैं। जेज कैश के ऊपर हम फौरन जो विड्रा ले सकते हैं, ठीक है, एचबीएल के ऊपर भी विड्रा ले सकते हैं, और भी शायद कोई बैंक को, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस में इन दो बैंक के साथ ही रहा है, जेज कैश के वैलेट के साथ और एचबीएल के बैंक के साथ, ठीक है। अच्छा, पेनियर को जब हम ऑनलाइन यूज कर रहे होते हैं तो वो 2% टैक्स भी काट रहा होता है, ठीक है, जबकि वाइज नहीं काट रहा होता, तो इस मामले में भी वाइज बेहतर हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम बनाने की बात करें, पाकिस्तान के अंदर बनाना, अगर वाइज का पर्सनल अकाउंट बनाना हो तो बहुत आसानी के साथ बन सकता है, कैसे बनता है उस पर वीडियो बनी हुई है, ठीक है। और पेनियर का अकाउंट भी जो बनाना होता है वो भी बहुत आसानी से बन जाता है, इस पर भी मेरी वीडियो आ जाएगी बहुत जल्द। और अगर आप वाइज के बिजनेस अकाउंट की बात करें तो वो बनाना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, मोस्टली तो आप खुद बना भी नहीं सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ इस टाइप की डिटेल्स वगैरह पूछ रहे होते हैं, वैसे बना भी नहीं कोई मसला नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास LLC या फिर आप किसी दूसरे कंट्री से होने चाहिए। और आपको वाइज का एक नुकसान ये भी बता दूंगा, इसके अंदर वर्चुअल कार्ड नहीं मिलता, जैसे कि मैंने पहले बताया पेनियर के अंदर जो है वर्चुअल कार्ड मिल रहा होता है, लेकिन अगर वाइज का बिजनेस अकाउंट है हमारे पास तो उसके अंदर हमें वर्चुअल कार्ड मिल रहा होगा, एक अच्छे एक्सचेंज रेट भी मिलता है हमें, सब कुछ फिर ओके होता है। यानी कि मेरी फाइनल बात यही है, अगर आप वाइज का बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं तो आपको फिर किसी और अकाउंट की जरूरत नहीं है, सबसे बेस्ट है वाइज का बिजनेस अकाउंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि आप पेमेंट किस तरह की लेते हैं, एक होती है बिजनेस पेमेंट, एक होती है पर्सनल पेमेंट। अगर आपकी फैमिली वगैरह में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है तो उसको मोस्टली हम पर्सनल पेमेंट ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म की तरफ से नहीं आ रही होती, बल्कि एक सिंपल एक आदमी की तरफ से ही पेमेंट आ रही होती है, ठीक है, उसके लिए वाइज पर्सनल सबसे बेस्ट है। और अगर आप किसी बिजनेस के थ्रू पेमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप वाइज बिजनेस नहीं बना सकते, आपकी डिटेल वगैरह इस टाइप की आपके पास नहीं मौजूद, तो आप फिर पेनियर बेस्ट है। तो यानी कि जो कहने का मतलब यही है कि वाइज पर्सनल, वाइज बिजनेस, पेनियर, तीनों अकाउंट अच्छे हैं, लेकिन किसी की हमें किस वक्त जरूरत पड़ रही होती है, किसी की किस वक्त जरूरत पड़ रही होती है, तो आपने अकाउंट तीनों बना लेने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आपका वाइज पर्सनल अकाउंट बन जाता है उसको आप बाद में वाइज बिजनेस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, वहां पर एक ऑप्शन मिलता है, आपने वो डिटेल वगैरह देनी होती है, 1 या 2 दिन के अंदर अंदर आप उसको बिजनेस पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि स्टार्ट के अंदर आप वाइज पर्सनल बना लीजिए, आप उसका आइडिया वगैरह ले लीजिए, यूज वगैरह करके देखिए, बहुत ही सिंपल है यूज वगैरह करना, वैसे ही इस पे हर वीडियो मेरी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज।